नमस्कार, आप देख रहे हैं पोर्टाक। मैं हूं संतोष पांडे। आप लोगों से हमने कहा था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको प्रताप जी से मिलवाएंगे और आपसे 95 की जो चर्चा हो रही थी उस पर अपडेट देंगे। तो आज हम प्रताप जी के पास हैं और आज उनसे पूछते हैं कि क्या अपडेट है 95 पर, और आपके उन तमाम सवालों को हम इनसे बात कर लेते हैं। आइए मिलवाते हैं प्रताप जी से। 1995 के मसले पर क्या अपडेट है जो कि लगातार आपके जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ। कुछ सेहत हमारी ख़राब थी तो मैं बाहर गया हुआ था, तो अभी लौटा हूँ। करीबन एक हफ्ता हुआ है। अपडेट ये है कि जो पहले हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन डाला था चुनाव आयोग में, उस रिप्रेजेंटेशन के बाद जितने भी लोगों ने लेटर भेजा, हमारे पास तकरीबन 170 लेटर आए थे। उस लेटर का मतलब हो गया कि उनके आधार कार्ड और उनकी फ़ोटो, उन सबको मिला करके फाइनल रिमाइंडर दिया गया है 27 तारीख को। तो 27 जुलाई को फाइनल रिमाइंडर, ये सारी प्रक्रिया। लोगों को, दर्शकों को ये लग रहा होगा कि क्या है रिमाइंडर रिप्रेजेंटेशन, ये एक प्रक्रिया होती है जिसको पूरा करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं है कि बस गए और खड़े हो गए और काम हो गया। इसकी पूरी प्रक्रियाएं अगर आप नहीं करके जाएंगे तो कोर्ट इसको डिफीट कर देती है कि भैया आप जाइए यहाँ से। तो डिफर ना हो पाए इसके लिए सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके जाना होता है। फाइनल रिमाइंडर के 15 दिन तक वेट करना होता है, 15 दिन के बाद से उस पर सुनवाई और चर्चा होती है। तो ये अपडेट है कि चुनाव आयोग को फाइनल रिमाइंडर दे दिया गया है। अब 15 दिन के बाद यानी 15 अगस्त के बाद मुझे लगता है कि इसकी हियरिंग शुरू हो जाएगी, और तब हम आपके दर्शकों को बताएंगे कि सबको किस दिन आना है, कि जिस दिन दोनों पक्षों की हियरिंग हो, सारे दर्शकों को, जो लोग भी अपना कार्ड लगाए हैं आधार कार्ड, उन सबको लखनऊ बुलाएं। जो आ सकते हैं आके कोर्ट की कार्रवाई सामने देखें, ये हमारी मंशा है, ताकि दबाव भी बने कोर्ट के ऊपर और ट्रांसपेरेंसी भी रहे, हम लोगों को जीत हासिल हो सके। दर्शकों का एक सवाल है कि क्या पूरे, आपने बता भी दिया है संख्या कितनी आई है, दर्शकों का सवाल है कि अभी क्या इसमें कितना समय लगेगा, या कोरोना की वजह से कोई लेट हो रहा है। तो आपका आज इस इंटरव्यू में आखिरी जो इन्फॉर्मेशन है लोगों के लिए, उसे बताएं जरा। इसमें टाइम जो लगेगा वो अभी, जैसे 15 अगस्त के बाद से हियरिंग की डेट आ जाएगी, तो जो डेट आएगी हम चाहेंगे कि सबको इन्फॉर्म करेंगे उसके पहले, और उनके पास वगैरह बनवा करके उनको भी हाई कोर्ट के अंदर खड़ा करेंगे कोर्ट रूम में। अगर तब तक कोई इजाज़त हो गई, मुझे उम्मीद है कि हो जाएगी, क्योंकि सितंबर 1 से फिजिकल लोगों को आना जाना हाई कोर्ट में शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि सबको आना चाहिए और तभी दबाव भी बनेगा। ये हमारा अभी है, धैर्य रखना पड़ेगा। ये कोर्ट की लड़ाई है, कोई ऐसा नहीं है कि बस यूं ही आए और काम हो गया। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। हमने तो किसी से 5 रुपये मांगा नहीं, किसी से एक चिट्ठी 15-20 रुपये 25 रुपये की सबने भेजी होगी, जितने लोगों ने भी भेजी। और वो जितने लोगों ने भेजी है वो सामान्य लोग नहीं है, वो लोकतंत्र के प्रहरी हैं जो अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहते हैं। हमें ये खुशी है कि इतने लोग, सैकड़ों लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और जो जिन्होंने नहीं भेजा, मैं उनको ये मानता हूँ कि उनके अंदर विश्वास की कमी थी, इसलिए नहीं भेजा अपना कागज़। लेकिन ज़रूर वो भी चाहते हैं, बाद में इंसर्ट करा देंगे उनको। लेकिन लोकतंत्र के अधिकार के लिए लोग लड़ना चाहते हैं, ये अपने आप में अच्छी चीज़ है। अपने हक के लिए ज़रूर लड़ना चाहिए। उन्होंने देखा, ये प्रताप जी थे, लगातार हमारी चर्चा हो रही थी, प्रताप जी के पास चलेंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे। तो प्रताप जी ने लगभग उन सवालों का जवाब दे दिया है जिसके बारे में लगातार आप सवाल पूछ रहे थे। इंतज़ार करिए, धैर्य रखिए, चीज़ें सफल होंगी और 95 की जो लड़ाई है वो जारी है। साथ ही साथ आप कभी भी जो सवाल आपके होते हैं कमेंट बॉक्स में करते रहिए, प्रताप जी लगातार उस कमेंट को देख भी रहे हैं जो आपने व्हाट्सएप पे किया है। तो दोस्तों, 95 की सबसे बड़ी अपडेट यही है। हम जल्द फिर मिलेंगे, जैसा प्रताप जी ने बताया, 15 तारीख के बाद जो भी अपडेट होगा आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।